दोस्तों आज हम एक इंडक्शन कुकर रिपेयर करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है सबसे पहले यही आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर में ईओ एरर बता दे रहा है। जैसे कि आपको मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी भी रखा हुआ है बॉयल करने के लिए, बॉयल नहीं होगा बस यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आप देख सकते चल गया। तो देखिए कुछ देर में ईओ एरर बता दे रहा है। ये प्रॉब्लम किस सेक्शन में ख़राबी की वजह से आ सकता है आज हम इसमें देखेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। और ऐसी कंडीशन में आपका पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, पानी या फिर आप कुछ भी यहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो नहीं होगा, बस यहाँ पर एरर बताते जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इसको मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलते रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कोई कोर्स किया हो, बिना कोर्स के भी अच्छी खासी यहाँ पर नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। और हाँ, लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी स्क्रू वगैरह हैं इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रू खोलने के लिए मैं मल्टी टेक के स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर आप कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। तो दोस्तों मैं स्क्रू ड्राइवर मल्टी टेक का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें अलग अलग मेरे पास है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, इसे आप जरूर लीजिएगा। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसमें भी मैं कंटिन्यू डेली वीडियो डालता रहता हूँ इसी प्रकार से सिखाने वाली, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे स्क्रू मैंने खोल लिए हैं। अब इसका जो फ्रंट का पैनल है इसे हम हटा लें, यहाँ पर एक कनेक्टर मिलता है इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। चलिए खुल चुका है। तो इसमें जो फॉल्ट है वो किन किन कारणों से आता है ये आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉइल की कंडीशन भी मुझे खास नहीं लग रही है, इसे तो हम फिर से चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कॉइल के ख़राब होने की वजह से भी आपकी ये प्रॉब्लम आए, कॉइल को चेक करना भी ज़रूरी है और साथ में किस किस कारणों से आपको ये फॉल्ट देखने के लिए मिल सकता है वो ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, किसी एक फॉल्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से उसका नॉलेज नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉइल को जल्दी से हमने खोल लेना है। तो कॉइल यहाँ पर खुल चुकी है और कॉइल के यहाँ पर देखिए, एक मिनट इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो सेंसर बीच का लगा रहता है इसका जो कनेक्टर है ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉइल के ये दोनों पॉइंट्स हमने खोल के अलग कर लेने हैं, ठीक है। और कॉइल को चेक करना है मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर कॉइल को मैंने खोल लिया और मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर हमने कॉइल को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉइल के दोनों सिरों पे हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर के प्रोब्स को लगा लेते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पर एक मिनट मल्टीमीटर, हाँ ठीक है। अब तो यहाँ पर देखिए कॉइल बिल्कुल ओके है, ठीक है, कॉइल बिल्कुल ओके है क्योंकि यहाँ पर एक फुल्ली भी दे रही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम किस कारण से हो सकता है, एक बार यहाँ पर इसके सेंसर को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेंसर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंसर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा सेंसर भी ओके है। तो यहाँ पर एक दूसरा सेंसर है उसमें भी मैंने चेक किया, तो इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, ये बिल्कुल ओके सेंसर है, ठीक है। देखिए सेंसर में आपका कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो ठीक है, इसका मतलब हमारा ये सेंसर भी ओके है। अब इसमें प्रॉब्लम किस सेक्शन में होगा, चलिए वो कन्फर्म कर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके मदरबोर्ड को निकाल लेना है बाहर और इसमें नीचे की साइड को सारे के सारे प्रिंट देख लेने, कोई प्रिंट जला तो नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक प्रॉपर कारण नहीं होता है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए सारे जो इसके फॉल्ट्स हैं उनको जानना और समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए एक स्क्रू ये भी है, इसे अभी हम ओपन कर लेते हैं। चलिए ये भी हमने कर लिया साइड पर। अब यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, हमने फ़ैन को भी हटा लेना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने IGBT को भी टेस्ट करना होगा। IGBT को टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को बजट की रेंज पे रख लें और यहाँ पर इसके तीनों प्रोब्स में आपस में चेक कर लेंगे, ठीक है, तीनों पिन पे। तो यहाँ पर ठीक है, वैल्यू भी ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायोड भी ठीक ही होगा भाई, ऑन तो ही रहा है, डायोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर इस कॉइल को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इस कॉइल को भी हमने चेक कर लेना है, ये कॉइल भी ठीक है। कैपेसिटर आपके वीक पड़ जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर कैपेसिटर ख़राब होने के बाद उसकी जो है शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, शेप चेंज हो जाती है, थोड़ा सा फूल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले कैपेसिटर को हम चेंज करके देख लेंगे। ये कैपेसिटर यानी कि ये है हमारा कितना,
0.27 माइक्रोफेरेड का। और ये कितनी इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार, ये है हमारा 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर इसके जो है प्लस माइनस का ऐसा कोई वो नहीं होता, आप उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे और चेक करते हैं, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को ही हमने एक एक करके चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। कभी कभी कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, लोड नहीं ले पाता है और बार बार वो एरर बताता है। तो सबसे पहले यही काम हमने करना है जो मेन इसके बेसिक्स हैं कैपेसिटर को चेंज करने का, तो सबसे पहले वही करेंगे। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये आपका 5 माइक्रोफेरेड का है, जैसे वो 4 का था यहाँ पर 5 का है। ऐसा कोई वो नहीं है कि यार आपने एक्यूरेट उतने का ही लगाना है, आप थोड़ा सा एक दो आगे पीछे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, फिर हमने इसको चेक करना है। वैसे भी यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हैं इसमें 5 माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे वहाँ पर 4 का लगा हुआ था, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास वही हो, अलग भी हो तो चल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग करेंगे और इसकी टेस्टिंग हम करते हैं। अगर सक्सेसफुल ये चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसके नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ को चलेंगे। अब यहाँ पर कैपेसिटर को मैंने चेंज कर लिया है, अब देखते हैं एक बार इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हमें इसमें दूसरा काम करना होगा। यहाँ पर एक मिनट, अभी हमने कॉइल को भी जोड़ना है, तो जल्दी से मैं कॉइल को जोड़ लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो कॉइल को जोड़ लिया है, अब इसके सेंसर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी कनेक्ट हमारा हो चुका है, तो चलिए इसको अच्छी तरह हम इसको सेट करके यहाँ पर रख लेते हैं और अब इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी फिर भी इस काम सॉल्यूशन करके ही जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बटन पैनल को मैं जोड़ लेता हूँ और इसको हम रख लेते हैं इसके जस्ट ऊपर। तो चलिए यहाँ पर ये हो चुका है, तो चलिए इसे मैं ऑन करता हूँ। ये ऑन हो चुका है, अब इसके ऊपर रखते हैं बर्तन, अब इसे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी भी एरर शो हो रहा है, तो जल्दी से मैं इसके दूसरे कैपेसिटर को भी चेंज कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दूसरा कैपेसिटर यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, इसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पर इस बोर्ड से जो कैपेसिटर निकाला था उसकी वैल्यू थी यहाँ पर 0.27 माइक्रोफेरेड की, और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है 0.3, मतलब थोड़ा सा बढ़ के है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम इस जगह पे लगा लेते हैं, फिर हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं जल्दी से इसे लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैंने लगा लिया है, अब इसकी एक बार फिर से टेस्टिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट जो अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इसका हम कॉइल ही चेंज कर देंगे, ठीक है, कॉइल ही इसका चेंज कर देंगे। एक बार इसको हम पहले इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर मैं इसको पैक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने पैक कर लिया है, अभी इसे ऑन भी कर लिया है, चलिए इसको रखते हैं। अब हम चेक करते हैं, तो अभी भी इसमें एरर की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कैपेसिटर से कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, इसमें कोई और फॉल्ट है। अब हम इसे ऑफ कर लेते हैं और मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ फिर से। अब यहाँ पर हमने इसकी कॉइल को ही चेंज कर लेना है, यानी कि जो इसमें कॉइल हमें जली हुई लग रही है एक बार उसे भी हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कॉइल हाफ शॉर्टिंग होने की वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आ रही हो सकती है, ठीक है। कॉइल यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जली हुई है तो एक बार इसे भी हम चेंज कर लेंगे, हमारा डाउट यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी सही नहीं हुआ तो फिर हम इस रेजिस्टेंस को देखेंगे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं इसे हमने चेक करना है। फिलहाल जो काम है अभी कॉइल का काम है, तो इसमें कॉइल हम नहीं डाल देते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर दूसरे सेंसर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंसर को भी आप चेंज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मैं सेंसर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, सेंसर तो चेंज कर ही लिया है, अब इसको चेक करते हैं फाइनल। तो दोस्तों सेंसर का भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइनली हमने जो चेक करना है इसका कॉइल चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ था कि यहाँ पर किसी एक सेक्शन की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता, इसमें बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, इसलिए हमेशा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो कॉइल को हमने चेंज करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कॉइल को लगा लिया है, इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है, अब इसको रखते हैं बर्तन और ऑन करते हैं।
तो अभी भी यहाँ पर एरर बता रहा है, यानी कि कॉइल का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसको जो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसको चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को निकालने के बाद इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की एक लेग हम यहाँ पर उठा लेते हैं, चलिए एक लेग यहाँ पर उठा लेते हैं। तो उसके बाद यह अपनी वैल्यू अच्छी तरीके से शो करेगा, यानी कि जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी वही शो आपका करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस की एक एक लेग हमने उठा ली है, अब इसकी वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर इसको रखते हैं 2000 पे, ठीक है 200। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को रखा है 2000 किलो ओम्स पे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है वो 820 किलो ओम्स की लगी हुई है। अब यहाँ पर दोनों को चेक करना है, तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 500-600 के लगभग आ रही है। एक मिनट, इसको हम उल्टा करके चेक करेंगे। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठीक है, 820 एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है, थोड़ा अप डाउन दिखा सकता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर, आप देखिएगा, तो देखिए 822-823 के लगभग दिखा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारी हो गई है। अब इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी इसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारी ये रेजिस्टेंस ओपन हो चुकी है। अब इन रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एक पॉइंट है ये आपका कहाँ से कनेक्टेड है आप देख सकते हैं, ये आपका IGBT है, इसका एक कलेक्टर पिन है, इसमें तीन पिन है, गेट कलेक्टर मीटर, जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूँ, पहला पिन गेट का, दूसरा कलेक्टर का, तीसरा मीटर का। ठीक है, ये कलेक्टर की वोल्टेज को सेंस करता है, देखिए यहाँ से पट्टी लगी हुई है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और उस रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है वो डायरेक्ट जा रहा है आपका यहाँ पर IC तक, माइक्रो कंट्रोलर तक, यानी कि ये कलेक्टर की वोल्टेज को सेंस करके आपका IC को भेजता है। अब ये रेजिस्टेंस आपका ओपन हो जाए तो होगा क्या, यहाँ पर भाई आपका सर्किट पूरा नहीं बन पाएगा, जब वोल्टेज ही सेंस करके ये IC को नहीं भेजेगा तो क्या होगा, आपका ये एरर बताएगा, नंबर वन। और दूसरे जो रेजिस्टेंस का काम है, यानी कि जस्ट इसके दूसरे बगल में है, वो आपका कनेक्टेड है इस कैपेसिटर से, अगर आपका दूसरा रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो कैपेसिटर की वोल्टेज को सेंस करके IC को नहीं भेजेगा। वहाँ पर आप देखिए ये भी आपका ये पॉइंट IC तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दूसरा रेजिस्टेंस जो वैल्यू नहीं दिखा रहा वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी आप 820 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा लीजिए और आपका इंडक्शन चल पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसमें लगा के आपको दिखा देता हूँ। और बात करूँ फॉल्ट की, इसमें जो एरर का प्रॉब्लम आता है वो आपके मेन पैनल की वजह से भी आ सकता है, जो आपका सामने जो बटन पैनल रहता है ना, जो इसके ऊपर रहता है बटन पैनल, उसमें जो IC लगी रहती है उसके ख़राब होने की वजह से भी एरर बताता है। इसलिए जितने भी एरर आते हैं यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब इस रेजिस्टेंस को लगा के मैं सबसे पहले आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास है जिसकी वैल्यू आपको चेक करवा देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट 820 और 22 ओम्स के लगभग होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए किलो ओम्स के लगभग होनी चाहिए, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ओके। अब हमने इसको रिप्लेस करना है और यहाँ पर इसको लगाना है, उसके बाद आपको इंडक्शन को चेक करवा के दिखा दूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है और इसकी जगह पे हमने नया वाला डालना है, और इसी की वजह से हमारा एरर शो हो रहा है। अभी आपको और भी एक आपको फॉल्ट बताऊंगा जिसकी वजह से एरर शो होता है, उससे पहले इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर फाइनली मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़राब है। अब यहाँ पर इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है 820 किलो ओम्स, अगर रेजिस्टेंस जल भी जाती है तो यहाँ पर 820 किलो ओम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखकर भी आप यहाँ पर उस रेजिस्टेंस उस वैल्यू की रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लग चुकी है, अब इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए मैं सारे कनेक्शन कर लेता हूँ और कॉइल को भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं और कॉइल को भी यहाँ पर रख लिया है, अब यहाँ पर इसे हमने फाइनली चेक करना है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ कि नहीं। वैसे फॉल्ट तो हमने ढूंढ लिया है, फिर भी यहाँ पर कोई और फॉल्ट तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है, अब यहाँ पर मैं बर्तन को रखता हूँ और इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब कोई भी एरर नहीं आ रहा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और इसमें मैं थोड़ा वोल्टेज को डाउन कर लेता हूँ, 200 पर रख लेता हूँ, और यहाँ पर पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसका टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल अभी इसका जो हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसको पानी में डुबाता हूँ और हम
पानी को उबालते हैं और देखते हैं थोड़ा। मैं देखिए इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पानी बॉयल होगा तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाएगा। आप देख सकते हैं 44 डिग्री पहुंच चुका है, और थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं इसे तो यहाँ पर देखिए तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि आप लोगों को यकीन हो सके इसलिए मैंने थर्मोमीटर का यूज किया हुआ है, वरना काफ़ी सारे लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर लेते हैं। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर भाप आ रही है। ठीक है, चलिए मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा हो चुका है। तो आपको फाइनली मैं एक बार और बता देता हूँ ये जो ईओ का एरर आता है ये किस किस सेक्शन से आता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने में परेशानी ना हो और आप एक्यूरेट पॉइंट पर पहुँच जाएँ। सबसे पहले आपने देखिए मैंने तो बहुत सारी चीज़ें चेक की, क्योंकि यहाँ पर ईओ का एरर सिर्फ किसी एक सेक्शन से नहीं आता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कॉइल जली हुई है, तो इस पर भी मुझे डाउट हुआ, तो इसको भी हमने चेक करा, इसको चेक किया, और हमने सेंसर को भी चेक किया। और सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इन रेजिस्टेंस को चेक करना है। 820 किलो ओम्स की, देखिए हर बोर्ड पे अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकती है, इसलिए रेजिस्टेंस को आप कंफर्म कर लीजिए और उसके कलर कोड से देख लीजिए कि कितने ओम्स या किलो ओम्स की है। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के जो आपका IGBT लगा है उसके कलेक्टर पॉइंट से जो रेजिस्टेंस आ रही है और इस कैपेसिटर के जो एक पॉइंट से ये रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, दोनों रेजिस्टेंस कैपेसिटर और IGBT से जुड़ी रहती, इनकी वैल्यू एक्यूरेट आ रही कि नहीं, आपने सबसे पहले ये चेक करना है। दूसरा है कॉइल चेक करना है, तीसरा है कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना है, और चौथा है आपका ये ट्रांजिस्टर। एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनको और यहाँ पर जो एक दो जेनर लगी होती है उनको भी चेक आपने करना है। और नेक्स्ट है आपने ये जो सेंसर है इसको भी चेक कर लेना है। ठीक है, फ़ैन को चेक कर लेना है। टोटल मिला के आपने ये सेक्शन चेक करने हैं। और कभी कभी तो ये जो एरर की समस्या आती है यहाँ पर जो इसकी जो IC लगी है ना इसके ख़राब होने से भी आ जाती है। आप लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त करेंगे इसके बाद आप लोगों को इस IC के ख़राब होने का भी अंदाज़ा नहीं चलेगा और एरर आते रहेगा, इसलिए आप हर चीज़ चेक करनी है आपने। तो फाइनली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर करना। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, भाई सीखने के लिए मिल रहा है तो लाइक तो बनता ही बनता है यार। आपके लिए हमेशा डिफरेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।